नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल के इलेक्शन एक्सप्रेस इस समय मुंगेर लोकसभा में है और मुंगेर लोकसभा में ये पटना जिला है। पटना का बाढ़ प्रमंडल जो है वहाँ हैं हम लोग और बाढ़ में ये बेलछी गांव है। बेलछी गांव को जो ना जानते हों उनके लिए बता दें कि बेलछी ही वो गाँव है जहाँ जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी पूरी तरीके से टूट गई थी, सियासी रूप से पराजित हो गई थी, तो बेलछी गाँव में ही उनका पुनर्जन्म हुआ था। और बेलछी को लेकर के एक जो हम चारों तरफ मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ते रहे हैं कि बेलछी में जातीय नरसंहार हुआ था, जिसमें पासवान जातियों के लोग, सुनार जातियों को लोग वो कुर्मियों ने मार दिया था। आमतौर में जो बिहार के भीतर की जातीय संरचना देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो दलितों का नरसंहार हुआ है अधिकांश जगहों पर सवर्णों ने किया है। यहाँ कहानी थोड़ी सी उससे उलट है। कुर्मी जो OBC में आती हैं उनका इसमें नाम था, मगर जब हम लोग यहाँ आए, यहाँ ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला कि नहीं, ये आपसी वाद विवाद था और इसमें वो जातियाँ भी शामिल थीं जो लोग नरसंहार में थे और वो जो दूसरी जातियाँ। तो फिर यहीं पर लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, यहाँ मुलाकात हो गई है हम लोगों से इस गांव में, कैसे, कब, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? आप बताइए, बताइए। हमरा याद है। अच्छा, आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइए दादा। हमारा तो नाम सुबेलाल पासवान है। सुबेलाल पासवान। तो जैसे वो जो मामला हुआ था 77-78 वाला, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? वह 20 वर्ष के मान के थे। अभी कितनी है? अभी 60 है। 60 है, लगभग 40-42 साल पहले की बात थी। तो क्या ध्यान आता है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? इंदिरा गांधी आई थी तो कैसा माहौल था? इंदिरा गांधी आया तो ठीक था माहौल। अच्छा, आया इंदिरा गांधी बहुत भारी भीड़ से, पूरे गांव के आदमी भीड़ भी लग गया। अच्छा। वो बोले, वो कितना बोले, क्या चीज़ बोले, उतना तो मेरा याद नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, कितना चीज़ बोले नहीं बोले, क्या चीज़ दिए नहीं दिए, वो तो बूढ़ा पुरानिया की बात है। हम लोग तो अपने दर्शकों के लिए बता दें कि ये जब वाकया हुआ था तो इंदिरा गांधी की हाथी पर तस्वीर आई थी, ये बाढ़, और खास तौर से बाढ़ उस समय बाढ़ आई हुई थी। नहीं, बाढ़ उस समय में नहीं आया था, लेकिन बात है उसमें कि रोड था कच्ची। अच्छा, तो आगे वहाँ खाड़ था, खाड़ में कैसे गाड़ी आवेगा, तो गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, तो पैदले वहाँ से आए, वहाँ हाथी पर चढ़ के आके यहाँ उतरे आगे। अच्छा। उस समय पानी है ही था, मैंने खंधा उधा में रोड में खाड़ में पानी था। अच्छा। तो वहीं से हाथी पर चढ़ के आए, यहाँ आए तो बहुत लोग जुटे, फिर क्या बोले नहीं बोले, उतना हम लोग बच्चा था तो क्या जानेंगे क्या बोले क्या दिए। 18-20 साल तो बच्चा वाला उम्र तो नहीं है। नहीं है, ये है जानकारी तो है ये कि हम देखे कि आए हैं, तीन आदमी से आए हाथी पर, तीन को लेडीज था। कितने लोगों का उस जो हत्याकांड हुआ था, जो नरसंहार जिसको कहते हैं, उसमें कितने लोगों की हत्या हुई थी? 12 हो गए। 12 लोग। हाँ, आपस में ही लड़ भिड़ गए थे, किस बात के लिए हुआ था वो? बात उसमें तो कोई चीज़ के लड़ाई नहीं है, तब क्या चीज़ के बताएं कि खेत के है कि यहाँ घर के है, उसमें कोई चीज़ के लड़ाई नहीं था। आपस में लगे कह दिए तो कि भाई वो हमको मान लीजिए कोई धान है हमको एक पंजा कोई चोरा लिया, हम कहे हमारे धान चोरा को फल लग बैठवा, तो उसको कहे चोरा को हम चले जेल ले गए, इसको जेल आ रहे थे। उसका बाद कहीं कि नहीं छोड़ दो, गांव वाला झूठता था, नहीं कहा छोड़ो 100 धनवास क्या होगा। वैसी करते मैटर बढ़ते गया, वैसी में संहार हो गया। जैसे आरा और जहानाबाद के आसपास की, जब वो रणवीर सेनायक MCC का नाम सुना जाता है जिस नरसंहार की बातचीत थी, तो ऐसा कोई मामला नहीं था? नहीं, उस समय उस इन सारी चीज़ों का उभार भी नहीं हुआ। नहीं, तो ऐसा कोई मामला नहीं था, आपस में ही किसी वाद विवाद को लेकर के चीज़ें हुई थी, और इसमें कोई सवर्ण जातियाँ नहीं शामिल थी? सवर्ण जातियाँ के माध्यम से हमें पता नहीं चलता क्या कहते हैं। राजपूत भूमि? नहीं, राजपूत भूमि यहाँ नहीं है। नहीं, तो आपस में ही इलाका भी नहीं, इलाका में दूर दूर में है, यहाँ खाली महतो जी हैं, मांझी हैं, पासवान हैं, कहीं कहीं लोग 18-20 जाते हैं यहाँ। तो जो लोग नरसंहार में जिनकी हत्या हुई थी वो कौन जाति से थे, कौन लोग? एगो तीन भाई थे, धानुक अथी सोनार। अच्छा। पासवान। अच्छा। महतो जी। बस महतो जी क्या होते हैं, मांझी? नहीं, महतो जी कुर्मी। अच्छा, तो आपस में ही लड़ भिड़ करके हो गया था नहीं दादा? आप एक इंदिरा गांधी जब आई थी तो आपको कुछ ख्याल आता है? हाँ, ख्याल है। क्या? आई हाथी पर, अपना गाँव घुमा, उससे लोग बातचीत किए,
अब वो लोग इंदिरा गांधी जो बोलती थी हम लोग के मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या मतलब बोले, क्या किए नहीं किए, उतना हम लोग के मतलब ध्यान नहीं आता है। जैसे इंदिरा गांधी आई थी, जब हाथी से आई थी जी, हाथी से उतरी भी घूमी फिरी गांव नहीं, हाथी पर बैठल रहता था वो, माने जिससे जहाँ बातचीत करने के लिए लोग जुटते थे ना, इकट्ठा होते थे, तो हाथी गुड़क जाता था, मतलब बैठा लेता था हाथमान, और उसी पर हाथी पर से बातचीत करके फिर गांव घूम के फिर अपना चल गए। तो ये एक बातचीत तो हम आपको दिखा ही रहे थे, जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ये सांसद आदर्श ग्राम भी है आपका बेलछी। हाँ, आदर्श गांव में तो आता है सांसद आदर्श। हाँ जी, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने, खासतौर से नरेंद्र मोदी ने कहा था सारे सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए जी। बेलछी, और जो बेलछी की बातचीत हो रही कि वो एक शहरी इलाका है कि यहाँ बिजली बिल भी इन लोगों को ज़्यादा देना पड़ता है आमतौर पे जिन गांवों की तुलना में, मगर यहाँ की सड़कें भी खराब हैं, नालियाँ भी खराब हैं, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि सांसद आदर्श ग्राम है अगर तो यहाँ पर कुछ काम हुआ हो उसको लेकर के, वो हम एक अलग रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हाँ, और इस जगह आने के लिए हमें जिन व्यक्ति ने मेंशन किया था वो निराला हैं, निराला पत्रकार भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने कहा था कि आप लोग जब चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं तो बेलछी गांव जरूर जाइएगा, क्योंकि बेलछी से ही एक तरीके से सियासी पुनर्जन्म हुआ था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी हारी उसको लेकर के जितनी हताशा निराशा थी, तो बेलछी ने वो हताशा निराशा उनकी दूर की। तो उस बेलछी गांव से हमने उस रिपोर्ट को जानने की कोशिश की है, जो पहले सारी कहानियाँ कही जा चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, मगर यहाँ आकर के दूसरी चीज़ें पता चलती हैं। यही होता है कि आप किसी जगह पर जब दोबारा तिबारा या बार बार लौटते हैं तो अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो द बिहार मेल की कोशिश है कि हम अपने दर्शकों तक वो चीज़ जो हमें पता चली वो आप तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद।